हेलो एवरीवन, आज हम लोग अपना नेक्स्ट क्लास शुरू करते हैं टाइम एंड डिस्टेंस की भाई, ठीक है। और जो कॉन्सेप्ट हमने कल की क्लास में पढ़े थे, सेम डायरेक्शन वाले और अपोजिट डायरेक्शन वाले, मैं याद दिलवा देता हूँ एक बार, उन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चंस देखेंगे भाई। अगर दो वस्तुएं एक ही दिशा में जा रही हों तो उनकी स्पीड घटाई जाती है, ये हमने पढ़ा था। अगर दो वस्तुएं एक विपरीत दिशा में जा रही हों और एक दूसरे को पार करती हों तो भी स्पीड जोड़ के ली जाती है, ठीक है। ये दो कॉन्सेप्ट हमने पढ़े थे, ज़्यादा डिटेल जाननी है तो कल का लेक्चर एक बार देख लेना भाई। चलिए अब मैं डायरेक्ट क्वेश्चन करवाता हूँ इन दोनों कॉन्सेप्ट के ऊपर भाई। पहला क्वेश्चन लग गया है बोर्ड पे, पढ़िएगा तुरंत, पहला क्वेश्चन बोर्ड से पढ़िएगा भाई। तो भी पहला क्वेश्चन कह रहा है, सुबह के कोहरे में चलती हुई एक कार उसी दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पैदल चलते हुए एक आदमी को पार करती है, पैदल चलते हुए एक आदमी को पार करती है। आदमी 3 मिनट तक कार को देख सकता है, वो 3 मिनट तक देख सकता है तथा कोहरे के कारण 130 मीटर की दूरी तक देखा जा सकता है। तो कार की चाल क्या है? देखो आदमी की स्पीड है भाई 4 की। अब देखो एक चीज समझना, उसने कहा आदमी कार 3 मिनट तक देख सकता है, 3 मिनट तक, और वो 130 मीटर की दूरी तक देख सकता है। तो इसका मतलब ये निकला मेरे बच्चे कि भाई 130 मीटर की दूरी कार ने 3 मिनट में तय की है। अब देखो आदमी भी और कार भी एक ही दिशा में जा रहे हैं, कार आदमी को पार करती है, पार करने के बाद 130 मीटर की दूरी 3 मिनट में तय करती है। अभी मैंने समझाया जब दो चीजें सेम डायरेक्शन में जाती हैं तो भी आप क्या करते हो, घटाते हो स्पीड ऑफ कार, माइनस करोगे स्पीड ऑफ भाई मैन, उस आदमी की जो स्पीड है, स्पीड ऑफ कार माइनस स्पीड ऑफ मैन। स्पीड किसके बराबर होती है भी, दूरी बटे समय। बात समझ रहे हो इतना? चलिए भाई कार की स्पीड तो निकालनी है, आदमी की स्पीड दे रखी है 4 किलोमीटर प्रति घंटा भाई, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, दूरी 130 मीटर, समय 4 मिनट भाई, 4 या 3 मिनट है, 3 मिनट है भाई, 3 मिनट। अब एक चीज देखो भाई, ये तो दे रखा है किलोमीटर और घंटे में स्पीड, 4 की जो स्पीड है किलोमीटर घंटे में है, ये मीटर और मिनट में है, तो इसको भी किलोमीटर और घंटे में ले आओ भाई। मीटर के किलोमीटर बनाने हो तो कितने से भाग भाई, 1000 से। मिनट के घंटे बनाने हो तो कितने से भाग भाई, 60 से। इसकी भाग करोगे तो ऊपर जाएगा वो। चलिए भाई सॉल्व कर लो, 1 2 1 2, 3 दुनी 6 13 दुनी 26, स्पीड ऑफ कार माइनस स्पीड ऑफ मैन, 13 दुनी 26, 10 से भाग करोगे पॉइंट आ जाएगा। स्पीड ऑफ कार निकाल लेंगे, 4 जुड़ेगा, 4 जोड़ोगे तो 6.6 किलोमीटर प्रति घंटा भाई, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर रहेगा। फटाफट से उतार दो, ऑप्शन बी हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। वीडियो पॉज करके उतार दो भाई जल्दी से, हो गया होगा। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जो क्वेश्चन पढ़ेंगे वो विपरीत दिशा वाले पढ़ेंगे, क्योंकि भाई इस टाइप के जो सेम डायरेक्शन के क्वेश्चन है मैंने कल भी पढ़ाए थे, चोर सिपाही वाले, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग जो क्वेश्चन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कौन से वाले भी, विपरीत दिशा वाले। चलिए तो फिर पहला क्वेश्चन मैं लगा देता हूं बोर्ड पे, पढ़िएगा उसको भी, पहला क्वेश्चन पढ़िएगा बोर्ड से। क्वेश्चन है, ए तथा बी एक दूसरे से 20 किलोमीटर की दूरी पर है, ए तथा बी भाई एक दूसरे से 20 किलोमीटर की दूरी पर है, बात क्लियर है। दो व्यक्ति ए तथा बी, दो व्यक्ति क्रमशः ए तथा बी स्थान से एक दूसरे की ओर 7 बजे चलना प्रारंभ करते हैं, ये भी 7 बजे चलता है, ये भी 7 बजे चलता है, बात समझना ध्यान से भाई। इसकी स्पीड 4 की है,
चार किलोमीटर की, इसकी स्पीड 6 की है, अभी 6 किलोमीटर प्रति घंटे की। तो बताओ वे कितने बजे मिलेंगे, तो बताओ वे कितने बजे मिलेंगे। अब ध्यान से एक एक पॉइंट समझना मेरा भाई। ये भी 7 बजे चला है, ये भी 7 बजे चला है। कल जो मैं क्वेश्चंस पढ़ाऊंगा, आज नहीं पढ़ाऊंगा, वो टाइप कल पढ़ाऊंगा एक एक करके, उसमें भाई एक बंदा 7 बजे चल रहा होगा, एक 8 चल रहा होगा, या फिर एक 8 चल रहा होगा, एक 11 चल रहा होगा, कुछ मतलब टाइम में अंतर देगा। तो ध्यान रखना है, कल की क्लास में समझाऊंगा, उनका टाइम बराबर करना होता है। मतलब ये है कि ये टाइम बराबर लेना होता है हमें, ये टाइम क्या लेना होता है, बराबर। तो यहाँ बराबर दे रखा है, इसलिए हमें कोई कुछ नहीं करना एक्स्ट्रा इसमें। कल जब पढ़ाऊंगा अलग अलग टाइम होगा, टाइम बराबर करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आज टाइम सेम है, ठीक है। अब ये उस तरफ जा रहा है, ये इस तरफ आ रहा है भाई, ये पूछ रहा है कब मिलेंगे। तो विपरीत दिशा है, स्पीड जुड़ेगी, टाइम निकालना है। टाइम क्या होता है भाई, दूरी बटे स्पीड। अब स्पीड क्या लोगे, स्पीड लेंगे दोनों की जोड़ के भाई, हम लोग दोनों की स्पीड जोड़ के, क्योंकि विपरीत दिशा है। तो भाई दूरी कितना है, 20 किलोमीटर। दूरी कितनी है, 20। दिशा विपरीत है तो जोड़ देंगे, 4 और 6 10 काट दो भाई। 2 घंटे में ये दोनों मिलेंगे। कब मिलेंगे ये दोनों भाई, 2 घंटे बाद मिलेंगे। कितने बजे हैं, 7 बजे हैं। कितने बजे हैं भाई इस टाइम पे, 7। 2 घंटे बाद मिलेंगे, मतलब 9 बजे मिलेंगे। यही क्वेश्चन का आंसर रहेगा, कितने बजे मिलेंगे भाई, 9 बजे। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर रहेगा भाई। उतार दो फटाफट से, समझ में तुम्हें आ गया होगा भाई, फटाफट उतार दो भाई। चलिए भाई हो गया होगा। अगला क्वेश्चन मैंने लगा दिया बोर्ड पे, पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन भाई लग गया है बोर्ड पे, पढ़िएगा। क्वेश्चन है, 2 गधे एक दूसरे से 400 मीटर की दूरी पर खड़े हैं। 2 गधे एक दूसरे से 400 मीटर की दूरी पर खड़े हैं। पहला गधा 3 मीटर पर सेकंड की गति से, दूसरा गधा 2 मीटर पर सेकंड की गति से भाग सकता है। यदि दोनों एक दूसरे की ओर भागते हैं, एक दूसरे की ओर पे, तो कितने समय बाद वे एक दूसरे से टकराएंगे। टकराने का मतलब है मिलना एक दूसरे की तरफ, तो भी विपरीत दिशा हो जाती है। कौन सी दिशा, विपरीत दिशा भाई। तो समय पूछ रहा है आपसे, समय कैसे निकालते हो, दूरी बटे स्पीड अभी बताया। कितना दूर है भाई, 400 मीटर दूर है एक दूसरे से। अभी दोनों की दिशा विपरीत है तो स्पीड जोड़ेंगे, टाइम क्या होता है, दूरी बटे स्पीड, दोनों की स्पीड जोड़ेंगे। दोनों की स्पीड भाई 3 प्लस 2 5, दोनों की स्पीड जोड़ेंगे 3 प्लस 2 5, 5 से काट देंगे, 5 8 40 80 सेकंड क्वेश्चन का उत्तर रहेगा। वो 80 सेकंड बाद एक दूसरे को टक्कर मार रहे होंगे भाई। उतार दो फटाफट से, उतार दो भाई। ऑप्शन बी हमारे क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन बी भाई। हो गया होगा। चलिए तो भाई फिर मैं अगला क्वेश्चन लगा रहा हूं, पढ़िएगा उसको। अगला क्वेश्चन कह रहा है, 2 साइकिल चालक पी और क्यू कर्मशः 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 16 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। यदि वे 40 मिनट के बाद एक दूसरे से मिलते हैं तो प्रारंभ में उनके बीच की दूरी क्या है, प्रारंभ में उनके बीच की दूरी क्या है। इसी तरीके से बनाना है, दूरी पूछ रहा है आपसे। दूरी क्या होती है, स्पीड इनटू में टाइम। अब भाई एक दूसरे की तरफ मतलब विपरीत दिशा, तो भाई स्पीड जोड़ दो दोनों की, 16 और 20 भाई। अब ये किलोमीटर और घंटे में है और समय मिनट में है, समय किस में है, मिनट में।
तो मिनट के घंटे बनाने के लिए एक भाग में ले लेंगे 60, भाग में एक क्या ले लेंगे बच्चे भाई 60 ले लेंगे, तो जोड़ लो भी 16 और 20 36, 0 से 0 कटा, 4 गुना में 6, 6 36 और 6 24, 24 किलोमीटर क्वेश्चन का आंसर रहेगा भाई। एक दूसरे से मिलने से पहले 24 किलोमीटर की दूरी थी उनके बीच में भाई, ठीक है भाई, क्लियर है इतनी बात। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग, पहले इसको उतार दो भाई फटाफट से। तो भाई ऑप्शन कौन सा आंसर था इसका, डी, ऑप्शन डी आंसर था भाई, उतार लिया होगा आई थिंक सबने। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन लग गया है बोर्ड पे, क्वेश्चन है सरिता तथा जूली, सरिता तथा जूली एक ही बिंदु से एक ही समय पर विपरीत दिशाओं में चलना प्रारंभ करती हैं, ठीक है भाई। यदि उनकी चालें क्रमशः 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो कितने समय बाद उनके बीच की दूरी 18 किलोमीटर हो जाएगी। देखो एक बार ऐसे समझो बात भाई, ये क्वेश्चन ऐसे है, एक पॉइंट है ये, यहां से सरिता और जूली विपरीत दिशाओं में जाती है, ये क्वेश्चन इस प्रकार है भाई, ठीक है, सरिता और जूली विपरीत दिशाओं में जा रही है, कह रहा कितने समय बाद इनके बीच की दूरी 18 किलोमीटर हो जाएगी, कितने समय बाद इनके बीच की दूरी 18 किलोमीटर हो जाएगी, समय पूछ रहा है। समय कैसे निकालते हो भाई, दूरी, दूरी कितनी है 18 किलोमीटर बटे स्पीड, विपरीत दिशा है, स्पीड जोड़ देंगे तो 2.5 और 2, मैं यहां जोड़ देता हूं, ये 2.5 दिया है प्लस 2 पे तो 4.5 बना, 4.5 का मतलब होता है 4 × 2 = 8 और 1 9/2, स्पीड 9/2, 2 ऊपर चला जाएगा भाई, 9 × 2 = 18, तो 4 घंटे लगेंगे ऐसा होने में, मतलब 4 घंटे बाद उनके बीच की दूरी 18 होगी, ठीक है, ऑप्शन ए उतारिए फटाफट से भाई, जल्दी से उतारो भी क्योंकि कल फिर हम लोग थोड़े से टफ क्वेश्चंस करेंगे, ये आज समझ लो मैं तुम्हारा बेस तैयार कर रहा हूं, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, उतार लिया होगा क्वेश्चन आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन लग गया बोर्ड पे, पढ़िएगा, क्वेश्चन है दो रेलगाड़ी स्टेशन ए तथा बी से एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ करती हैं, यदि उनकी चाल क्रमशः 50 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 60 किलोमीटर प्रति घंटा है और ए तथा बी के बीच की दूरी 220 किलोमीटर है तो कितनी देर बाद एक दूसरे से मिलेंगे, कितनी देर बाद एक दूसरे से वो गाड़ियां मिलेंगी भाई। समय पूछ रहा है तो बहुत सारे क्वेश्चन ही प्रैक्टिस कर लिए, समय क्या होता है दूरी बटे स्पीड में, दूरी कितनी है 220 किलोमीटर की, स्पीड दिशा भाई एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ करती है, मतलब विपरीत भाई, ये भी विपरीत होती है, वो इधर जाएगा वो इधर जाएगा, विपरीत दिशा में स्पीड जोड़ते हैं, स्पीड कितने कितने के है 50 और 60 की भाई, 50 और 60 की, 50 और 60 कितने हो गए 110, 110 से भाग कर दो, 2 घंटे बाद मिलेंगी, यही उत्तर है क्वेश्चन का भाई, फटाफट से उतार दो भाई, बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन हैं, उतार लिया होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन बोर्ड पे लग गया है, ठीक है भाई पढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है रुचिर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलकर और रुकमा 25 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से साइकिल चलाते हुए एक दूसरे की तरफ आते हैं,
यदि वे 48 मिनट बाद मिलते हैं तो शुरुआत में उनके बीच की दूरी कितनी थी भाई? शुरुआत में उनके बीच की दूरी कितनी थी भाई? ठीक है, चलिए भाई, यहाँ पे दूरी पूछ रहा है आपसे, डिस्टेंस पूछ रहा है। डिस्टेंस निकालने का तरीका होता है स्पीड गुना में समय। भाई दिशा इनकी विपरीत है भाई, जब भी एक दूसरे की तरफ बोल दे तो दिशा विपरीत होती है। स्पीड जोड़ेंगे, स्पीड कितने कितने की है? 20 की है और 25 की है भाई। समय 48 मिनट, मिनट के घंटे बनाने के लिए 60 ले लेंगे, तो भी 20 और 25 45 गुना 48 बटे 60, काट लो भाई, 15 तीन 45, 15 चौके 60, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 36 उत्तर आ गया भाई, 36 किलोमीटर। ऑप्शन सी भाई, ऑप्शन सी हमारा आंसर रहेगा। उतारो भाई फटाफट से भाई। उतार लिया होगा भाई ये क्वेश्चन। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लग गया बोर्ड पे, पढ़िएगा। क्वेश्चन है, दो गाड़ियां एक दूसरे की तरफ 45 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 63 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही हैं। टकराने से 10 सेकंड पहले उनके बीच की दूरी क्या होगी? तो भाई दूरी निकालनी है। दूरी क्या होती है? स्पीड गुना में समय। स्पीड गुना में समय, दूरी किलोमीटर में निकालनी है। स्पीड भाई दिशा विपरीत है तो जोड़ेंगे, तो स्पीड 45 की है और 63 की है, स्पीड 45 की और 63 की है। समय दे रखा है 10 सेकंड, सेकंड के घंटे बनाने हैं तो 3600 से भाग करेंगे। सेकंड के घंटे बनाने हो तो कितने से भाग करोगे भाई? 3600 से भाग करोगे। 45 और 63 108 बना भाई, गुना में 10 बटे में 3600 भाई, ये आ गया हमारा भाई। इसको काट लो भाई, आंसर आ जाएगा हमारे क्वेश्चन का। एक जीरो से एक जीरो कटा, 18 से काट लो, 18 चिक्का 108, 18 दूनी 36, 20 भाई। फिर कट रहा है दो से, दो पे काटोगे 3, दो पे काटोगे 10, उत्तर आया 0.3 किलोमीटर। ये आंसर है क्वेश्चन का भाई, फटाफट से उतार दो भाई इसको भी। एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। हो गया होगा ये, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं फिर। लास्ट क्वेश्चन भी लग गया है बोर्ड पे, पढ़िएगा। क्वेश्चन है, दो स्थान आर और एस के बीच की दूरी 42 किलोमीटर है, ठीक है भाई। दो स्थान है आर और एस, उनके बीच की दूरी 42 किलोमीटर है। अनीता 4 किलोमीटर की स्पीड से आर से एस चलती है भाई, 4 की स्पीड से यहां से अनीता चल पड़ी भाई। और उसी समय, देखो समय सेम देगा, उसी समय एस से आर की ओर चलना शुरू करती है कौन भाई? रोमिता। रोमिता की स्पीड नहीं दे रखी, एक्स मान ली मैंने, ठीक है। यहां से अनीता चलती है, यहां से रोमिता चलती है, रोमिता, और यहां से कौन चलता है भाई? अनीता। और स्पीड इसकी दे नहीं रखी मैंने, एक्स मान ली भाई। और कह रहा है 6 घंटे बाद एक दूसरे से मिलते हैं, तो रोमिता की स्पीड बताइए क्या बनेगी? अब मुझे तुम एक बात बताओ, दिशा विपरीत है तो स्पीड क्या लोगे? स्पीड लेंगे दोनों की जोड़ के भाई, अनीता की और रोमिता की स्पीड को जोड़ेंगे। स्पीड क्या होती है? दूरी बटे समय। अब अनीता की स्पीड दे रखी है 4 की, रोमिता की स्पीड एक्स हमने मान रखी है, दूरी दे रखी है 42 किलोमीटर, कह रहा है 6 घंटे बाद मिलेंगी, 6 घंटे बाद, 6 घंटे दे रखे थे, हाँ 6 घंटे बाद में, तो काट लो भी 6 सता 42, 7, 4 उधर जाके घट जाएगा, तो
तो उत्तर आएगा 3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड है रोमिता की भाई। रोमिता की स्पीड कितने की है? 3 की भाई। उतार दो फटाफट से, ऑप्शन सी हमारे क्वेश्चन का आंसर रहेगा। चलिए हो गया होगा भाई, आज इतना ही करेंगे, ठीक है। इनको बड़े अच्छे से पढ़ के आना, कल से मैं ट्रेन वाले क्वेश्चंस करवाना शुरू करूंगा, जहां पे इनकी बेहद जरूरत पड़ेगी सेम डायरेक्शन की और अपोजिट डायरेक्शन की। तो बड़े अच्छे से ये वीडियो और इससे पिछला वीडियो देख के आइएगा, ठीक है। बहुत सारे ही क्वेश्चन करवाऊंगा ट्रेन के ऊपर भी, कम से कम 15 से 20 क्वेश्चंस बेसिक करवाऊंगा, तुम्हें अच्छे से क्लियर हो जाएगा एकदम से, टाइम एंड ट्रेन एंड डिस्टेंस भी भाई, क्लियर है। चलिए इतना पढ़ गया ये, थैंक यू।